आता ना बाउंस आउट लाइक भी करते रहिएगा। 10,000 लोग हैं, आपको हक और सच पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यही आईना दिखा रहे हैं हम। ये शाहनवाज धानी के 2 छक्के जो पाकिस्तान को इस मैच में अब लड़ाई करवाएंगे। ये बच्चा अपने नाम के साथ ऑलराउंडर नहीं लगवाता, लेकिन इसका पैशन था कि मैं इंडिया के खिलाफ पहली बार खेल रहा हूं, मुझे इज्जत रखनी है। बाकी वो जो बाहर हुआ कमर पकड़ के साइड स्टैंड का नाम लेके वसीम जूनियर, वो ऑलराउंडर लिखवाता है, एक चौका नहीं मार सकता था वो। मैंने पहले ही कहा था ये घुटनों से नीचे के बल्लेबाज है, इनको घुटनों से ऊपर दे दो इनका घुटने तेल हो जाते। देख लो फकर को, देख लो बाबर को, देख लो रिजवान को। भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले गए एशिया कप में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान मीडिया ऐसे बौखलाया कि बाबर आजम पे गुस्सा हो गए और बोले कि भारत के पास एक ऐसा ऑलराउंडर है जो हमारे पास नहीं है। भारत के पास है हार्दिक पांड्या और एक हमारा ऑलराउंडर है आसिफ अली जो बड़ी बड़ी डिंगे फेंकता है कि मैं ये छत पे छक्के मार दूंगा, ग्राउंड से बाहर बॉल फेंक दूंगा, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच की बात आती है तो उनके छक्के खुद ब खुद छूट जाते हैं। इस मैच में भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने बढ़िया अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारत को छक्का लगाकर मैच विनिंग करवाया और इस तरह मैच में एक्स फैक्टर साबित हुए रविंद्र जाडेजा। पाकिस्तान टीम ने तैयारी तो की थी विराट कोहली की, केएल राहुल की, रोहित शर्मा की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रविंद्र जाडेजा भी टीम में है। उनकी तैयारी करना भूल गए और रविंद्र जाडेजा और हार्दिक पांड्या ने जैसी बैटिंग की, लाजवाब बैटिंग की और उन्होंने धैर्य के साथ पार्टनरशिप बनाई और भारत को मजबूत स्थिति में पहुँचाकर आखिर में हार्दिक पांड्या ने विजयी छक्का लगाकर भारत को मैच जिताया। तो आप वीडियो के साथ बने रहे, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। मारनी होती आपको कवर ड्राइव के अलावा ऊपर की गेंदें भी खेलनी होती हैं और ये बेसबॉल या कोई कंचे नहीं हो रहे। मोहम्मद रिजवान विकेट पर खड़े होके 7 ओवर तुम पी गए। तुमसे अच्छा तो इफ्तिखार था कि उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की, कम से कम छक्का मार के शहीदों में नाम तो लिखवाया, गैरत की गोलियां तो ली। ओ भाई मैच में इंडिया फेवरेट था पर 160